एक देश जहाँ का एक रुपया वहाँ के 58 रुपये के बराबर होता है, या फिर एक देश जहाँ पिता अपनी जवान बेटियों के लिए सेक्स हर्ट बनवाता है, एक देश जहाँ आप कम पैसों में जबरदस्त पहाड़, बीच और खूबसूरत दुनिया का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंबोडिया देश के बारे में। कंबोडिया देश थाईलैंड, वियतनाम और लॉस के बीच में पड़ता है। यह देश अपने अनोखे कल्चर और खुद के अजीबोगरीब परंपराओं की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कंबोडिया घूमने में कितना खर्च आता है। कंबोडिया देश बहुत ही सस्ता है, पर इतना भी सस्ता नहीं है कि कंबोडिया को मान लिया जाए कि खाला का घर है, जब चाहो आ जाओ और चले जाओ। कंबोडिया एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जिसकी राजधानी पनोम में है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। पर कंबोडिया में कपड़ों का कारोबार जोरों शोरों पर चलता है। कंबोडिया की इकोनॉमी में वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ पर आपको कपड़े बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे। कंबोडिया भारत से लगभग 2900 किलोमीटर दूर है। पर कंबोडिया के सिमरिप शहर में दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर अंकोर वाट स्थित है, जो बहुत ही बड़ा और अद्भुत है, और यह भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर को देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। अगर आप कंबोडिया जाते हैं और इसे नहीं देखा, तो फिर क्या देखा? क्या आपको पता है कि कंबोडिया में क्रियांग नाम की एक जनजाति रहती है, जहां पिता अपने 14 साल से शुरू जवान बेटियों के लिए लव हर्ट बनवाता है, यानी कि प्यार की झोपड़ी, जिसे अगर सेक्स की झोपड़ी भी कहे तो गलत नहीं होगा। दरअसल लव हर्ट की खास बात तो यह है कि लड़की हर रात को अपने पसंद के अलग अलग लड़के के साथ लव हर्ट में रात बिताती है और दिन में घर का कामकाज करती है। क्रियांग नाम की जनजाति का यह मानना है कि ऐसी परंपरा से लड़की मजबूत और प्रतिभाशाली होती है, और इससे लड़की का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे कि उन्हें अपना जीवन साथी चुनने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन टूरिस्ट की वजह से इन जनजातियों के परंपराओं पर खासा असर पड़ा है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर आके पैसा फेंक और तमाशा देख वाला खेल शुरू कर देते हैं। मतलब कि $20 से भी कम में आपको अच्छी लड़की की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, कंबोडिया के लोग बहुत ही खुश और स्माइल के साथ रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हर लोगों के फेस पर एक अच्छी स्माइल देखेंगे, जो आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंबोडिया में आपको सबसे अजीब खाना खाने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मकड़ी से लेकर के स्टिक में लगे हुए बिच्छू और तले हुए कॉकरोच तक खाने को मिल सकते हैं। दोस्तों, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ आप $4 से $5 में पेट भर खाना खा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया में हाई स्कूल पहुँचते ही लगभग 50% बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर चुके होते हैं। और खास बात तो ये है कि यहाँ के होटलों में भी केवल 200 रुपये तक में ही लड़कियों की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। कंबोडिया में ज़्यादातर आबादी 15 से 25 साल के बीच है, क्योंकि यहाँ पर 1975 से लेकर के 1989 तक खेमेर रूज का शासन था, जिसके शासन में लाखों लोगों को मार दिया गया था। कंबोडिया की नाइट लाइफ भी थाईलैंड की ही तरह है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्टिव लड़कियाँ पैसों वालों के तलाश में रहती है। यहाँ महज $7 से $15 पर नाइट की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे कंबोडिया के बारे में चौंकाने वाले तथ्य। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।